अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे अमल के बारे में बताने जा रहे हैं जिस अमल को आप रमज़ान में हर नमाज के बाद ज़रूर कीजिए और आप रमज़ान के बाद भी यानी आम दिनों में भी उस अमल को बरकरार रखिए, क्योंकि उस अमल के ज़रिए से अगर आपके समुंदर के झाग के बराबर भी अगर गुनाह होंगे तो वो भी माफ़ हो जाएंगे। तो इसीलिए रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है, दीन के कामों में आगे से आगे बढ़कर हिस्सा लें, इबादतों का खूब ज़्यादा एहतमाम करें। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए जिससे कि आपको भी वो छोटा सा अमल मालूम हो जाए जिसके ज़रिए से आप अपने समंदर के झाग के बराबर भी अगर गुनाह होंगे तो उनको अल्लाह ताला से माफ़ करवा सकते हैं। आज हम आपको नमाज के बाद का एक छोटा सा अमल बताने जा रहे हैं जो कि मसनून अमल है, हदीस शरीफ से साबित है। दोस्तों इस अमल को करने का सवाब बहुत ज्यादा है। यह अमल करने के एतबार से छोटा जरूर है पर इस अमल की फजीलत बहुत ज्यादा आई है। दोस्तों आइए जान लेते हैं वो अमल कौन सा है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, दोस्तों ये टोटल 99 मरतबा हुआ, और 100 को पूरा करने के लिए एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये 100 मरतबा पूरा करने के लिए एक मरतबा पढ़ा हर नमाज के बाद। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि उस शख्स के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे चाहे उसके गुनाह समुंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, इतनी बड़ी फजीलत है इस छोटे से अमल को करने की। इसको कहा जाता है कि तस्बीह फातिमी, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ना, या फिर 34 मरतबा की जगह 33 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ें और एक मरतबा ये कलमा पढ़ें जिसको हमने अभी आपको बताया है, यानी एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, की गिनती पूरी करने के लिए एक मरतबा इस कलमे को पढ़ लिया जाए तो ऐसे शख्स को क्या फजीलत मिलेगी। फरमाया, हर फर्ज नमाज के बाद इस छोटे से अमल को करने वाले के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे चाहे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। दोस्तों अगर समंदर के झाग के बराबर गुनाह हो तो इसको आप अलैहिस्सलाम ने तस्बीह फातिमी की फजीलत को बयान करने के लिए फरमाया है, वरना तो हकीकत यह है कि हमारे गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो ही नहीं सकते क्योंकि समंदर के झागों को तो गिना ही नहीं जा सकता, उनको गिनना तो नामुमकिन है, जबकि हमारे गुनाहों को गिना जा सकता है, उनका हिसाब लगाया जा सकता है। लेकिन इस अमल की फजीलत इतनी ज्यादा है कि अगर हमारे गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी होंगे तो भी तस्बीह फातिमी की पढ़ने की बरकत से और इसकी फजीलत से हमारे तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों हमें ये चाहिए कि हर नमाज के बाद रोजाना 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर और एक मरतबा ये कलमा पढ़ लिया जाए जो हमने अभी आपको पढ़कर बताया है। तो दोस्तों इसको पढ़ने की सभी बहनों और सभी भाई आदत बना लें। अब ये भी समझ लीजिए कि ये कब पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जो मर्द हजरात मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो वो इमाम साहब के साथ फर्ज नमाज पढ़ने के बाद फौरन इमाम के सलाम फेरते ही उठकर चले जाते हैं, तो ये तरीका भाइयों का गलत है, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। नमाज पढ़ ली, सलाम फेर लिया, अब इस तस्बीह को पढ़ें, एक दो मिनट लगेंगे बस, लेकिन बहुत बड़ी फजीलत हासिल हो जाएगी। इसी तरह एक दूसरी हदीस में भी आया है कि जो शख्स फर्ज नमाज का सलाम फेरने के बाद उसी जगह पर बैठकर जितनी देर तक मसनून वजीफे यानी वो दुआएं और कलमे वगैरह जो हदीस से साबित हो उनको पढ़ता रहता है तो फरिश्ते उसके लिए रहमत और मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। तो एक फजीलत तो यह हासिल होगी कि गुनाह माफ हो जाएंगे और दूसरा ये कि जितनी देर तक हम तस्बीह फातिमी पढ़ेंगे उतनी देर तक फरिश्ते हमारे लिए रहमत और मगफिरत की दुआ करते रहेंगे। अब आप जरा सोचिए कि फरिश्ते हमारे लिए रहमत और मगफिरत की दुआ कर रहे हैं तो क्या हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, क्या हमारा नेक कामों में मन नहीं लगेगा। इसलिए इस तस्बीह को पढ़ने की आदत सभी भाई और सभी बहन बना लें। दोस्तों इसको पढ़ना कब है इसको एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। फर्ज नमाज पढ़ने के फौरन बाद इस तस्बीह को पढ़ना है या फिर नमाज पूरी करने के बाद भी इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। तो इस बात को समझ लीजिए कि जिन फर्ज नमाजों के बाद सुन्नत नहीं होती जैसे फजर की नमाज,
और असर की नमाज, तो उन नमाजों में तो फर्ज पढ़ने के बाद ही ये तस्बीह पढ़नी है, और जिन नमाजों में फर्ज के बाद सुन्नत और नफल होते हैं तो उन नमाजों में सुन्नत और नफिलों से फारिग होने के बाद सुन्नतों और नफिल को पढ़ने के बाद इस तस्बीह को पढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि आप मगरिब की नमाज पढ़ रहे हैं तो 3 रकात फर्ज पढ़ने के बाद इस तस्बीह को नहीं पढ़ना है, बल्कि पहले फर्ज पढ़ लें, उसके बाद में 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफिल पढ़ लें, फिर तस्बीह को पढ़ना है। यानी नमाज को मुकम्मल करने के बाद तस्बीह को पढ़ना है 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाहु अकबर, और 1 मरतबा वही कलमा जो भी हमने आपको पढ़कर बताया है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शयइन कदीर। तो यही बात बहनों के लिए भी है, जब बहनें नमाज पढ़ें तो फर्ज अदा करने के बाद में, जैसे कि फजर की नमाज और असर की नमाज पढ़ रही हैं, तो उसके बाद तो सलाम फेर के फौरन ही इस तस्बीह को पढ़ लें, और जोहर मगरिब और ईशा की जो नमाज है उसकी जो बाकी की रकात रह जाती हैं, नफिल रह जाते हैं, सुन्नतें रह जाती हैं और वितर वगैरह जो रह जाते हैं उनको अदा करने के बाद में फिर इस तस्बीह को पढ़ लें। तो सभी भाई बहनों से यही इल्तिजा है, अपनी आदत हर नमाज के बाद पढ़ने की इसको बना लें, इंशाल्लाह नेकियों का ढेर लग जाएगा। और दूसरों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा उठाने का मौका मिल जाए। आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।